शाही ट्रीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मीठे में लड्डू देखेंगे हम आज। और ये जो लड्डू है ये आपको बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है, नारियल का पूरा, और इसी कप से मैंने लिया हुआ था 2 कप। और 1 कप मैंने मैंगो पल्प लिया हुआ है, इसके लिए मुझे 1.5 मैंगो लगा। और यहाँ पर है इलायची का पाउडर, और यहाँ पर 1 टीस्पून हमने घी लिया हुआ है, और यहाँ पे 1/4 कप हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल हम करेंगे, और आधा कप मैंने यहाँ पे शक्कर ली हुई है। तो चलिए रेसिपी को फटाफट शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, और गैस हमारा मीडियम है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको सब काम करना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमने 1 टीस्पून घी लिया हुआ था वो हम इसमें डालेंगे, और इसको मेल्ट होने देते हैं। घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें हमने जो 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ था वो हम इसमें डालेंगे, और हम अच्छे से चला लेंगे इसको। 2 से 3 मिनट तक हमको इसको भूनना है एकदम स्लो फ्लेम पे, और इसका जो कलर है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमको, हल्का हल्का भूनना है बस। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमने गैस को बंद कर दिया है। और ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है, खोपरे का जो बुरा है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को हमने फिर से ऑन कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मैंगो की प्यूरी, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हिला लेंगे, पकाएंगे इसको। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसमें डालते हैं शक्कर, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर जो है एकदम घुलनी चाहिए इसमें, तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए शक्कर जो है हमारी घुल चुकी है, और शक्कर घुलने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाया है। अब हम इसमें हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो इसमें डाल देते हैं पूरा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर। 1/4 कप जो हमने मिल्क पाउडर ली हुई थी वो हमने डाल दी, और हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का जो फ्लेम है हमारा सीम पे है, 2 से 3 मिनट तक हम इसको गैस पे इस तरह से रख देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर मैंगो का आ चुका है इसको, बहुत ही खूबसूरत कलर है। हम अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, और हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हमने इस मिश्रण को रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। छोटे बड़े आकार के लड्डू आप बना सकते हो। इस तरह से लड्डू हम बनाएंगे, और हम इसको किसी डेसिकेटेड कोकोनट में इस तरह से रोल कर लेंगे, तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे, और टेस्ट में तो ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस तरह से पहले ही मैं ये सारे बॉल इस तरह से बना लूँगी। हमने ये सारे बॉल्स बना लिए, अब हम इन सब को इस तरह से रोल कर देंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार है, और मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छे बने हैं ये। और मैंगो का सीज़न जाने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।